सबसे बड़ी बात यह है अंजना कि आज जो फोकस रहने वाला है वो ये कि क्या कुछ ऐसी योजनाओं का यहाँ पर ऐलान या फिर घोषणा की जा सकती है इस बजट में जो सबके लिए हितकारी हो, सबके लिए कुछ कुछ ऐसा हो कि हम इस प्रोग्राम के अंत तक ये कह सकें कि कुछ मीठा हो जाए। इसी पर सुबह से ही लगातार चर्चा हो रही है। जफर इस्लाम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पटरी पर दौड़ रही है। हालांकि ये पटरी कौन सी है ये भी जफर इस्लाम जी से जानेंगे, क्योंकि लगातार ये कहा जाता है कि वित्त मंत्री का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो लोक लुभावन बजट नहीं लाती है। तो क्या अपने उसी ट्रैक रिकॉर्ड पर वो चलने वाली है? क्या अर्थव्यवस्था से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं, क्योंकि रोजगार सृजन की लगातार बात हो रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे को हमने कल ही कहते हुए सुना था कि किस तरीके से रोजगार के विषय पर सरकार कुछ नहीं कर रही है, और ये तस्वीरों के जरिए भी अंजना लगातार साफ होता है कि एक नौकरी की वैकेंसी निकलती नहीं, हजारों लाखों की संख्या में वहां पर भीड़ जमा हो जाती है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। इकोनॉमिक सर्वे में लेकिन इस तरह का खाका बताया गया है जिसमें एमएसएमई सेक्टर, नौकरियों के सृजन पर, जॉब क्रिएशन पर जोर हो सकता है, ग्रामीण इलाकों पर जोर हो सकता है। लेकिन अब काउंटडाउन चूंकि शुरू हो चुका है और अब लगभग आप समझ लीजिए 29 मिनट का इंतजार है, ठीक 11 बजे ही ये बजट पेश होना शुरू हो जाएगा, पढ़ना शुरू कर देंगी अपने टैब से निर्मला सीतारमन, आप देख रहे हैं उनको। लेकिन उससे पहले जल्दी से एक एक रिएक्शन यहाँ पर तमाम पैनलिस्ट से लेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। एक आपको मीठी गोली बतानी है और एक कड़वी गोली बतानी है, लेकिन उससे पहले सीधा चलते हैं हिमांशु, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। हिमांशु, बहुत सारी उम्मीदें हैं, सरकार की तरफ से तैयारी है, विपक्ष भी पूरे स्क्रूटनी के साथ आज बैठेगा, जल्दी से एक छोटा सा अपडेट वहां से। देखिए बिल्कुल, कैबिनेट की बैठक चल रही है और कैबिनेट की बैठक में जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसमें कैबिनेट की जो बैठक है उसमें बजट को मंजूरी मिल गई है, यानी कि मोदी सरकार की तीसरी जो 3.0 सरकार है उसका पहले बजट को, यानी कि 11वीं बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बजट पेश करने जा रही है, जिसमें 7वीं बार जो है निर्मला सीतारमण जो है वो बजट पेश करेंगी। और देखना यह है अंजना कि क्या निकलता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कह दिया था सरकार चुनाव से पहले भी और चुनाव के बाद भी, उनकी इस सरकार का फोकस जो है वो 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाए जाएंगे सारे कदम, और इसमें किसी भी तरीके से वो चाहेंगे कि सहयोगियों का भी और विपक्षी दलों का भी जो है इसमें उनको सहयोग मिले, क्योंकि भारत जब अपना आजादी का 100वां वर्ष मनाए तो भारत विकसित राष्ट्र बन चुका हो, और इसीलिए ये बजट के अंदर वो पूरी तरीके से देखा जाए उसमें सारे काम किए गए हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा इसमें ये कहा जा सकता है कि बजट में प्रोविजन रखे गए हों। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। अंजना, बीएससी और एनएससी का भी हाल बता देते हैं, दोनों ही इस वक्त लाल निशान में ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि अभी तो सकारात्मक रुख बाजार का फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए चल यहाँ पर अब जितने हमारे साथ पैनलिस्ट हैं उनसे उनके पास चलते हैं। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, महिला राष्ट्रपति, महिला वित्त मंत्री जो कि रिकॉर्ड बना रही हैं, 7वें बार लगातार वो बजट पेश कर रही हैं, तमाम रिकॉर्ड्स आज तक के बजट पेश करने वाले जितने पुरुष वित्त मंत्री थे। आई डोंट वांट टू मेक इट मैन वर्सेस वुमन, लेकिन ये बहुत बड़ा गौरवपूर्ण पल है।